2021 2000 इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये 20,000 आ जाएगा, ठीक है। और 5 मीटर में गुणा कर देंगे 100 का तो 500 आ जाएगा। उसके साथ 50 सेमी ये दे रखा है, ठीक है। इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना है दो दरवाजे हैं तो 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। उसके साथ क्या दे रखा है, 2 मीटर लंबाई दे रखी है तो 200 सेमी हो गई। उसके साथ 1.5 मीटर दे रखा है तो ये हो जाएगा यहाँ 150, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी दे रखी है, मोटाई दे रखी है 50 सेमी, तो इसका 50 का मैंने इससे कर दिया गुणा। इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा ईंट का, जो कि कितना दे रखा है 25 गुणा 16 गुणा 10। जब इस पूरे को अपन सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये पूरा दीवार का आयतन है, ये 2 दरवाजों का आयतन है, ठीक है। उसको जब घटा देंगे तो जो भी शेष दीवार बचेगी उसमें क्या करेंगे, 1 ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, जिससे कि अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 11,750, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना आंसर हो जाएगा। मैं आपको तरीका बता देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा दिए गए चित्र में ओपी समांतर है आरएस, यानी जे ओपी है वो आरएस के समांतर है, और ओपी क्यू है वो 100 है। देखिएगा ये ओपी क्यू है वो 100 है, क्यू आरएस 140 है, क्यू आरएस है वो 140 है। तो आपको पी क्यू आर ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब इसको अपन आगे बढ़ा देंगे तो याद रखिएगा ये आपस में समांतर हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये वाली भी आपस में समांतर हो जाएंगी। जब ये आपस में समांतर हो जाएंगी तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो ये कोण बनेगा, ये कैसे हो गए अंतः कोण, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, तो 140 प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये हमने x मान लिया तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 40, तो इसका मतलब यहाँ x का मान आ चुका है 40। अगर ये 40 है तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे दोनों, शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी कितने का हो जाएगा 40 का। और ये आपको दिख रहा हो तो ये एक रेखा है जिसपे ये 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये आपस में कैसे हैं रेखिक कोण युग्म में, तो 100 प्लस पी मान के चलिएगा इक्वल टू 180, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं रेखिक कोण युग्म में ये सभी, तो यहाँ से पी का मान निकल के आ जाएगा 80। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोण है वो कितने का आ गया 80 का। अब हमने निकाल लिया है, देखिएगा क्या निकाल लिया है कि ये कोण कितने का आ गया 80 का, ठीक है, और ये कोण कितने का आ गया 40 का। ये देखिएगा ये पूरा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180, तो 80 प्लस 40 प्लस इसको मान लेते हैं टी मान लेते हैं इक्वल टू 180। बस टी का मान निकालना है, यहाँ से जब टी का मान निकालेंगे तो टी का मान आ जाएगा 60, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 93 दो दशमलव संख्याओं का गुणन, जैसे 0.4 गुणा 0.2 करेंगे तो 0.08 आएगा, की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। तो इसके लिए जो उचित अधिगम साधन है वो है ग्राफ पेपर, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा कि मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 9 को प्रदर्शित करेगी। तो देखिएगा जो संख्या ये है वो 9 को प्रदर्शित करेगी, जिसमें देखिएगा 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 5 काटेंगे फिर 1, 2, 3, 4, तो ये कितने हुए टोटल 9, तो ऐसा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। याद रखिएगा ये इस प्रकार से काटा जाता है न कि इस प्रकार से, ठीक है, अब ऐसे मत काटना ये गलत होता है, इस प्रकार से इसको काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन है वो 24,000 है, उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण अगर 60 डिग्री है तो उसका शिक्षा पर व्यय कितना है। तो देखिएगा आपको पता होगा ये पाई चार्ट होता है जिसमें इस प्रकार से बने रहते हैं, तो ये जो पूरा कोण होता है वो होता है 360 का। तो देखिएगा मासिक वेतन उसने कितने दे रखा है 24,000 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि जो 24,000 दे रखा है वो पूरा का पूरा मासिक वेतन है, ठीक है। तो ये 360 के बराबर रख दिया, तो फिर 360 डिग्री इक्वल टू 24,000 हो गया, तो 8 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इस 360 को इसके नीचे ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 24,000 बटे 360।
अब हमको निकालना कितना है, 60 डिग्री का गुण, तो 60 डिग्री से इसको कर देंगे गुणा, क्योंकि हमने ये जो निकाला था वो एक डिग्री का निकाला था, ठीक है। अब कितने का निकालना है, 60 डिग्री का, एक एक नियम लगा देंगे तो बस 60 का कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब काट लेंगे तो ये आ जाएगा 4000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है। देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, सबसे छोटी होती है 11, जब दोनों को आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 86, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 कि 12 दर्जन पेनों का मूल्य इतना है तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा 12 दर्जन, तो ये 12 तो पेन हो गए और दर्जन के लिए हमने 12 का गुणा कर दिया, इनका मूल्य कितना है 720 रुपये, तो फिर एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो 720/12×12। अब हमको कितने पेनों का ज्ञात करना है, 25 का, तो ये तो एक पेन का मूल्य हो गया, तो अब 25 के लिए क्या करेंगे, 25 से इसको गुणा कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अपना आ जाएगा 125 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 25 पेनों का मूल्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 98 देखिएगा कि 5 छात्रों का औसत 40 है कि ग्रह है, यदि उसमें से एक छात्र जिसका भार कितना है 50 के ग्रह है छोड़ जाता है तो शेष बच्चे का जो औसत है वो कितना होगा, यानी जो औसत भार है वो कितना होगा। तो इसके लिए देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता क्या है। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। अब उसने क्या दे रखा है, 5 छात्र दे रखे हैं जिनका औसत दे रखा है 40, यानी औसत उसने दे रखा है 40, ठीक है, हम योग निकाल रहे हैं, ठीक है, संख्या दे रखी है 5, तो इसका इसमें कर देंगे बज गुणा, तो योग कितना आ जाएगा अपने पास, जो योग आ चुका है 5 छात्रों का वो आ चुका है 200, ठीक है, 200 kg। उसमें से एक छात्र कितने का, 50 kg का, जो छोड़ के चला जाता है, तो देखिए 200 में से अपन घटा देंगे 50 को, तो कितना बचा 150, पहले 5 छात्र थे अब कितने रह गए 4, क्योंकि एक छोड़ के चला गया, तो 4 का इसमें दे देंगे भाग, तो इसका जब भाग देंगे ये आ जाएगा 37.5 kg, यानी अब जो औसत भार है वो कितना है 37.5 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा कि एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य इतना है तो बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, मान लीजिए कि 100 रुपये है उसका क्रय मूल्य, 10% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाना चाहिए 110 रुपये। उसने दे रखा है कि विक्रय मूल्य 330 है, हमारे अनुसार 110 है, उसके अनुसार 130 है, तो इसको हमने इसके बराबर रख दिया। अब देखिएगा 110 बराबर 130 है, तो एक का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 330 बराबर 110। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य हमने माना है 100, तो अब क्या करेंगे 100 का कर देंगे इससे गुणा, जब 100 का इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा कि एक विद्यालय में संविधान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, यदि उतनी ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। आपको पता होगा MDH1 इक्वल टू होता है M2 D2 और H2, जिसमें M होता है मैन, D होता है डे यानी दिन, H होता है आवर, बस यही आपको लगाना है और कुछ नहीं करना। तो 12×7 बराबर 6 घंटे हैं और आदमी मान लीजिए x है और 6 से कर देते हैं इसको गुणा, तो यहाँ पे जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 14, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 कि 1 करोड़ 1 लाख और 1000 101 का अंकीय रूप क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम 1 करोड़ रखेंगे, उसके बाद हम 1 लाख लिखेंगे, उसके बाद 1000 लिखेंगे, उसके बाद 100 और उसके बाद 1, जब सबको हम प्लस कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी, जिससे हमको पता चलता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिर्फ आपको इकाई दहाई पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 31P5 को 3 का गुणा जाए, ये संख्या है वो इसका 3 का गुणा जाए, जहाँ पी दहाई का अंक है, तो पी का अधिकतम मान आपको पूछ रहा है कि पी का अधिकतम मान कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको पता होगा कि कोई भी संख्या अगर पी से विभाजित होती है, सॉरी 3 से विभाजित होती है कोई भी संख्या, तो उसके अंकों का योग कितना आता है,
जो भी आता है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। और वो कह रहा है कि अधिकतम मान लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन भी चेक करेंगे तो अधिकतम मान लेके चेक करेंगे तो सबसे अधिकतम मान है वो 9 दे रखा है, तो 9 से अपन चेक करेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस पी प्लस 5 इक्वल टू जो भी आएगा यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 3 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो 9 को हम ऑप्शन को उठाते हैं तो 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5, जब इस सब को हम जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पे हमारा आ रहा है 18, और ये 18 है वो 3 से विभाजित होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 9। जो पी का मान है वो कितना है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 103 नंबर कि 25 प्लस 12 गुना 33 माइनस 25 भागिंत 5 का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का नियम कहता है, क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को उठाओ, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड करो, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको एडिक्शन करना है, और उसके बाद सब्सट्रैक्ट यानी घटाना है। बस इसी नियम को लागू करते हुए अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लास्ट में जो ये दे रखा है इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ गया 5 अपना। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर आ जाएगा 396। उसको क्या करेंगे, 25 के साथ जोड़ देंगे, जब 25 के साथ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 421। उसमें से हमारे पास इसका सॉल्यूशन करने पर 5 आया था, यानी माइनस के 5 हो जाएंगे, तो इसमें से माइनस 5 कर दे देंगे तो ये आ जाएगा 416, ठीक है। कितना आ गया, 416। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना आंसर हो जाएगा, सिर्फ आपको बोर्ड मास का नियम लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है, याद रखिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ये संख्या है, देखिए वो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले इसको उठाओ, सबसे छोटी यही है, इसमें भाग दे के देखो किसका, आपको 2 का भाग देना है, 3 का, 5 का और 6 का और 7 का, ऐसे ही अगर आप भाग देते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी छोटी संख्या है जो जिससे विभाजित करने पर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो ऐसी संख्या है वो यहाँ पे निकल के आती है 2520। आपको सिर्फ इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105 की संख्या ये दे रखी है, मैं 3, 4, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको स्थानीय मान निकालने हैं, तो 3 को लिख लीजिएगा सबसे पहले, और देखिए 3 के पीछे कितनी जीरो लगानी है आपको, 5 जीरो, ठीक है, क्योंकि जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लगती हैं, गुणा। अब देखिएगा 4, तो इसको 40 लिख लेंगे, गुणा 5, 5 तो इकाई रूप में है, बस इस सब को कर लेंगे गुणा। इसको गुणा करने पर देखिएगा ये आ जाएगा 6 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी ये अपना ऑप्शन नंबर डी से मैच खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ आपको स्थानीय मान निकालने और उनका करना है गुणा। अगला क्वेश्चन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा था, तो आपको पता होगा हॉगबैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कि अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है, तो ये संश्लेषण का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पर, तो समस्या के कारणों की सही पहचान पर ये चीज़ निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम है, आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उद्देश्यों का चयन करेंगे, उसके बाद परिस्थितियों की पहचान करेंगे, उसके बाद मूल्यांकन विधि का चयन करेंगे, और उसके बाद मूल्यांकन विधि का निर्माण करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, प्रमाणों की व्याख्या। तो याद रखिएगा, इससे हमें देखने पता चलता है कि ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिएगा कि किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, ये संख्या है वो किस प्रकार से पढ़ता है, कि 30 और 6, 40 और 6, 40 और 8 और 40 और 20, पढ़ने में त्रुटि का कारण है। तो पढ़ने में एक ही बात है कि एक छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, जबी तो वो 30 और 6 कह रहा है उसको, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% की साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 8 माह के लिए लिया, तो कुल कितनी राशि वह पुनः लौटाएगा, नहीं आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम
टाइम दे रखा है उसको क्या बनाएंगे, वर्ष में बताएंगे। तो ये तो दो वर्ष हैं, ठीक है। इसको हमने मास को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का दे दिया भाग, तो यहाँ क्या आ गया, इस चार से इसको काट देंगे तो ये दो आ गया, नीचे नीचे तीन आ गया, ऊपर आ गया दो। तो दो प्लस दो बट्टे तीन, तो ये क्या आ गया, आठ बट्टे तीन, ये क्या आ गया वर्ष, ये हमारा टाइम आ गया। बस ब्याज का सूत्र लगाना है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, पी टी आर बट्टे सौ, यानी मूलधन समय दर बट्टे सौ, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, गुणा करना है इनका, 9000 गुणा 8.5 गुणा 8 बट्टे 3 बट्टे 100, सबका आप गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2040 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब देखिएगा, इसमें जोड़ देंगे अपन 9000 को, ठीक है, सॉरी 9000 को यहाँ पे जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 11040 पॉइंट समथिंग। तो ये ऑप्शन अपना जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिर्फ आपको मिश्रधन निकालना था, तो ऐसा कुछ था नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 112 कि एक 22 सेमी 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर यानी बिना अध्यापित किए एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, कोई कागज है उसको आपने क्या किया, मोड़ दिया, मोड़ के क्या बना दिया, उसका बेलन बना दिया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो जब आप मोड़ोगे किसी कागज को तो उसकी जो परिधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी जो लंबाई दे रखी थी वो उसकी परिधि हो जाएगी। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। यहाँ से हम r निकाल लेंगे, r कितनी आएगी, 22 सही 2π, ये क्या आ गई, r आ गई। अब हमसे पूछ रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपको बताऊंगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो बस 2π यहाँ से पहले ही रखा हुआ है, r का मान क्या है, यहाँ से हमने रख दिया है 22 बट्टे 2π। एच का मान कितना है, एच उसने दे रखा है कि 4 सेमी ऊंचाई, तो 4 यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, 2π से 2π कट गया, 4 का कर देंगे इसमें गुणा, तो ये आ जाएगा 88 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि ओ ई तथा ओ एफ क्रमशः बी ओ डी सी ओ बी के समद्विभाजक हैं, ठीक है, एवं यदि ई ओ डी 25 है तो सी ओ एफ ज्ञात करना है। तो देखिएगा, वो कह रहा है कि समद्विभाजक है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसको हमको पता चल गया कि ये वाला कोण है वो 25 का हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कोण है वो इसके समद्विभाजक, यानी ये और ये आपस में कैसे हैं, इस पूरे कोण के समद्विभाजक हैं, तो ये और ये आपस में कैसे हुए, बराबर। तो इससे पता चल गया ये कितने का है, 25 का। अब हमको बताया कि ये टोटल 50 का है और ये जो कोण है इसका समद्विभाजक कौन सा है, ये संख्या f इसका समद्विभाजक था, तो इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये पूरा कोण है वो कितने का है, 180 का, क्योंकि ये रेखिक कोण योग है, इसलिए ये 25, ये भी 25 और ये x और ये x, यानी ये सब कितने का हो जाएगा, 180 का, ठीक है, बराबर 180। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 65, ठीक है। वही पूछ रहा था सी ओ एफ, यानी सी ओ एफ ये पूछ रहा था, जो आ गया 65, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये दे रखा है वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान का अगर क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो भुजा कितनी हो जाएगी, इसका कर देंगे वर्गमूल, यानी 80 हो जाएगी इसकी भुजा। अब वो कह रहा है कि मैदान की परिमिति, परिमिति मतलब परिधि, कितने चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है, तो वर्गाकार की परिधि क्या होती है, 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 80, कितने चक्कर लगाता है इसके, 5, तो 5 का इसमें और गुणा कर दो, बस 5 का गुणा करने पर ये आ जाएगा 1600 मीटर। इसको जब किलोमीटर में अपन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 मीटर 1.5 मीटर और 1 मीटर नाप के पानी के टैंक एक नल द्वारा 20 लीटर पर मिनट की गति से भरने में लगा समय, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, RBSE की बुकों से उठा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या करेंगे अपन, सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे टैंक का, ठीक है, टैंक के आयतन में क्या करेंगे हम, उसको चेंज करेंगे लीटर में और क्या करेंगे इसका दे देंगे भाग, जिससे कि क्या आ जाएगा अपना टाइम निकल के आ जाएगा।
तो देखिएगा, दो गुणा 1.5 गुणा 1 ये आ जाएगा 3, हमको पता है ये आ जाएगा 3 m³। ठीक है, ये 3 m³ आ गया, इसका मतलब है ये घना जो घना सॉरी घनावाकार जो टैंक है उसका आयतन आ गया। हमको पता है कि एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारा जो आयतन है वो हो जाएगा 3000 लीटर। दर कितनी है? 20 लीटर पर मिनट। अगर 20 लीटर पर मिनट निकल रहा है तो इसका दे देंगे इसमें भाग। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, देखिएगा 150। इसको इस पे काटने पे ये आ जाएगा 150। ये क्या है? ये मिनट है। ठीक है, जब इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि अनावसानी आवर्ती संख्या जो कि 0.123 दे रखी है, जिसमें 3/12 को लिखना है। आपको पता होगा कि जिस पर बार होता है उतने नीचे 9 लिखे जाते हैं, जिस पर बार नहीं होता है उतने 0 लिखे जाते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 123 माइनस जितने पे बार नहीं है, यानी 1, 2 पे बार नहीं है तो 12 लिख लिया यहाँ पे, और कितने पे बार है उतने 9 नीचे लिखते हैं, और जिस पर बार नहीं है उतने लिखते हैं 0। ठीक है, तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 37/300, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 50 पैसे के 16 सिक्के का मूल्य किसके बराबर है? सिर्फ ऑप्शन चेक करेंगे, मूल्य देखते हैं। सबसे पहले 50 पैसों का जो 16 सिक्के हैं उनका है 800 पैसे, तो बस ऑप्शन चेक करते जाएंगे। 1 रुपये के 4 सिक्के तो 400 पैसे हो गए, प्लस 2 रुपये के 3 सिक्के यानी 600 पैसे हो गए, ये तो 1000 पैसे हो गए, लेकिन हमको ये बताना है कि 800 पैसे किस में आ रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन उठाएंगे, 2 रुपये के 3 सिक्के यानी 6 रुपये मतलब 600 पैसे, 25 पैसे के 8 सिक्के। 25 पैसे के अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, जब 200 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 800 पैसे। देखिएगा, स्टार्टिंग में भी 800 पैसे आ रहा था, ये भी 800 पैसे आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये अपना ऑप्शन सही है, इसका मूल्य बराबर है किसके? इस ऑप्शन के मूल्य इसका बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसको आपको लिखना है निम्न में से, इसको क्या लिखना है? सही अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिएगा, इसका जब इसमें भाग देंगे, आपको सिर्फ भाग दे के देखना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 2 में 7 का, तो ये आ जाएगा 0.285 के समथिंग। उसके बाद देंगे 3 में 13 का, तो ये आ जाएगा 0.23 के समथिंग। और उसके बाद देंगे हम 5 में 6 का, तो ये आ जाएगा 0.83 के समथिंग। इन तीनों को देखने पर हमें पता चलता है कि सबसे बड़ी जो संख्या है, ठीक है, वो कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो अवरोही पूछ रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी, सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो देखिएगा, सबसे बड़ी कौन सी है? 0.83 वाली, यानी 5/6। तो 5/6 सबसे पहले इसमें भी है और इसमें भी। उसके बाद कौन सी है? ये वाली, यानी 2/7। तो 2/7 इसमें ही आ रहा है। उसके बाद है 0.23 वाली, यानी 3/13। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो गया, 5/6, 2/7 और 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको इसका मान बताना है, इस संख्या का पूरे का मान। देखिएगा, इसका सॉल्यूशन इधर है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 3/5 को, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 × 5 3 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा -8/3। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8/3। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 29/6। और जब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को एलसीएम लेके 6 का, तो ये 16 आ जाएगा, यहाँ पे ये 29 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/6, और यहाँ पे आ चुका है 8/5। अब लेंगे इन सब का एलसीएम, जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 30। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -17/30। ठीक, प्लस के 17/30। प्लस के 17/30 आएंगे क्योंकि 65 क्या है? ज़्यादा है, जो कि प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन लास्ट, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या
कौन सी है। तो देखिएगा, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो याद रखिएगा इन दोनों का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने पर शेषफल कितना बच रहा है, चार। तो जो भी एचसीएफ आएगा उसमें क्या करेंगे हम, चार को जोड़ देंगे, वही क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो याद रखिएगा इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो यह आ जाएगा 12, और शेषफल कितना बच रहा है, चार, तो चार इसमें जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 16।